बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 3। और आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात में हिजरत हबशा का चैप्टर। हिजरत हबशा पेज नंबर 83। अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर 83 ओपन करें। बाब चहारम, सीरत का चैप्टर है हिजरत हबशा। आपको पता है सीरत किसे कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात, वाक़यात और जो भी उनकी ज़िंदगी में हुआ होता है उसका मुताला करने को हम सीरत कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड तमाम चीज़ों का मुताला या उनको पढ़ना, उनको सीखना हिजरत कहलाता है, सीरत कहलाता है। अच्छा, अब आपको पता है हिजरत किसे कहते हैं? हिजरत का मतलब है, आपकी अपनी बुक्स में देखें, दीन की खातिर अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। यानी एक शख्स ने दीन के लिए, अल्लाह ताला के लिए अपना वतन छोड़ दिया। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम पाकिस्तान को छोड़ के कहीं और चले जाएं अल्लाह ताला की खातिर, तो ये हिजरत है। जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों हिजरत की थी? क्योंकि मक्का में काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का रहना बहुत ज्यादा तंग करके रख दिया था उनको, और रहना बहुत मुश्किल कर दिया था। उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो वहाँ पे मजीद रह सके, तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी अल्लाह ताला की खातिर, दीन की खातिर, क्योंकि वहाँ पे दीन पे अमल करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर हमारे लिए दीन पर अमल करना आसान हो जाए। तो वो अपना वतन छोड़ के दूसरी जगह चले गए, यानी वो मदीना चले गए। तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं हिजरत। हिजरत करने से क्या होता है? इस्लाम में हिजरत का बहुत बड़ा मुकाम है। अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा अजर और सवाब रखा है। हिजरत करने से अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को धो देते हैं। हिजरत करने वालों से अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं और उन्हें खुशखबरी है सुनाते हैं कि जो लोग हिजरत करेंगे उनसे अल्लाह ताला राजी हो जाएंगे। जब नेक्स्ट लाइन क्या है? जब कुफारे मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त दे दी। जब कुफार ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया, मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला का भी हुक्म था कि हिजरत कर जाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम मुसलमानों को कहा कि वो हबशा से हिजरत कर जाए। अब जो पहली हिजरत हुई थी वो सन 5 में हुई थी, और इस हिजरत में 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थी, यानी सिर्फ 11 मर्द थे और 4 वुमेन्स थी। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत थोड़े से लोग थे। अच्छा, जब हबशा पहुँच कर खबर मिली, जब वो लोग हबशा चले गए ना, पहले वो लोग थे मक्का में, मक्का में काफिरों ने उनके ऊपर जुल्म किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग हिजरत कर जाएं ताकि हम लोग अपने दीन पे अच्छे तरीके से अमल कर सकें। जब वो वहां से गए तो वो कहाँ पहुंचे? हबशा की तरफ। जब वो हबशा पहुंच गए तो उन्हें खबर मिली, उन्हें पता चला कि मक्का के जो काफिर हैं उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर बाज लोग वापस चले आए, यानी उन्होंने कहा कि मक्का के लोगों ने अब इस्लाम कबूल कर लिया तो वो हमें तंग नहीं करेंगे, इसलिए हम वापस चले जाते हैं। कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन जब वो लोग वापस गए तो उन्हें वहां जाके पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह थी, ये गलत खबर थी। क्योंकि कुफार मुसलमानों को तकलीफ देते थे, तो उन्होंने अब भी मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए ये काम किया था। पहली हिजरत को हिजरत उला कहते हैं। क्या कहते हैं पहली हिजरत को? हिजरत उला। फिर मुसलमानों ने क्या किया? दूसरी मर्तबा हिजरत की, और दूसरी दफा जब मुसलमानों ने हिजरत की तो उसमें 82 मर्द थे और 18 औरतें थी। पहली दफा जब की थी तब कितने मर्द और औरतें थे? पहले सिर्फ 11 मर्द थे और औरतें 4 थी।
अब जब हिजरत की तो 82 मर्द थे और 18 औरतें थीं, अब हिजरत करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा थी क्योंकि मक्का के जो काफिर थे उन्होंने तो झूठ बोला था ना, वो मुसलमान तो नहीं हुए थे, उन्होंने तो मुसलमानों को फिर से तंग करना था, तो इस वजह से मुसलमानों ने दोबारा हिजरत की थी। और फिर दोबारा हिजरत करने वाले मुसलमान मर्दों और औरतों की तादाद पहले वाले मर्दों और औरतों की तादाद से ज्यादा थी। हम मुसलमान कहाँ गए? मुसलमान गए हबशा। ठीक है, अब हर जगह पे हुकूमत करने के लिए कोई बड़ा होता है, कोई बादशाह होता है, कोई वजीर होता है। तो हबशा का भी एक बादशाह था और वहां के बादशाह का नाम था नजाशी। क्या नाम था बच्चों? हबशा के बादशाह का क्या नाम था? हबशा के बादशाह का नाम था नजाशी और वो बहुत ज्यादा नेक दिल इंसान था, जिसकी वजह से मुसलमान वहाँ बहुत ज्यादा इत्मीनान से और सुकून से रहने लगे। उन्होंने कहा कि अब हमारे ऊपर मुश्किलात आना कम हो जाएंगी, अब हम थोड़े से सुकून से रह सकेंगे, अब हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब हम अपने दीन पर आसानी से अमल कर सकेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां कर देंगे। तो हबशा का जो बादशाह था नजाशी, उसने मुसलमानों के लिए बहुत आसानियां की। जब कुफारे मक्का को ये बात पता चली कि मुसलमान इतने आराम से रह रहे हैं, तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उनको ना बहुत ज्यादा गुस्सा आया और बादशाह के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने क्या किया, वो बादशाह के दरबार में गए और बादशाह को जाके मुसलमानों की शिकायत की कि ये बेदीन है। जो लोग मुसलमान हो जाते थे ना, जो लोग मक्का के काफिरों की बात नहीं मानते थे, उनके दीन पे अमल नहीं करते थे, उनके बारे में कुफार कहना शुरू हो जाते थे कि ये बेदीन है, यानी ये दीन से फिरे हुए। हालांकि जो असल दीन है वो तो इस्लाम है और जिसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, यानी हमारी निजात का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने में। लेकिन वो लोग क्या कहते थे कि ये लोग बेदीन है और बिगड़े हुए लोग हैं। नजाशी ने क्या किया, जब नजाशी ने काफिरों की ये बात सुनी तो उसने मुसलमानों को बुलाया और उनसे पूछा फिर हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीर की। अब जब नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया तो मुसलमान ने तो नजाशी को बादशाह को तो कोई जवाब देना था ना, अब काफिर भी अपनी अपनी बात कह रहे थे, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, तो अब मुसलमानों ने भी अपनी बात कहनी थी। तो मुसलमानों में से किसने नजाशी के सामने बात की? हजरत जाफर ने। हजरत जाफर ने क्या कहा कि ऐ बादशाह, हम पहले बिल्कुल जाहिल थे, कुत्तों की तरह कुत्तों की पूजा करते थे, मुर्दार यानी जो जानवर मर जाता है ना, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम जानवर को ज़िबा करके खाएं, बेशक वो मर जाता है लेकिन वो ज़िबा हुआ था, ज़िबा करने से उसका सारा खून उसके जिस्म से निकल जाता है, लेकिन जब हम मुर्दा जानवर का गोश्त खाते हैं तो वो हमारे लिए हराम होता है, क्योंकि मुर्दा जानवर के अंदर खून बाकी रह जाता है, उसके अंदर से सारा खून नहीं निकल पाता। तो हजरत जाफर ने क्या कहा कि हम पहले जाहिल थे, हम भी बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार यानी मरे हुए जानवर खाते थे और आपस में लड़ते झगड़ते थे, अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया और रहम करके अल्लाह ताला ने क्या किया, हमारे दरमियान में अपना एक रसूल भेजा जिसने हमें बुरे कामों से रोक लिया और एक अल्लाह की तरफ बुलाया। वो बुरे कामों से रुक गए, एक अल्लाह की तरफ आ गए, हम उस पर ईमान ले आए जिसकी वजह से मक्का वाले हमारे दुश्मन हो गए। अब जब बादशाह था ना, वो ये तकरीर सुन के बहुत खुश होता है, यानी वो मुसलमानों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम यहाँ अमन व अमान से रह सकते हो, और मुसलमानों को कुफारे मक्का के हवाले करने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं तुम लोगों को जगह दूंगा, तुम लोगों ने यहाँ पे बहुत आराम से रहना, तुम लोग मुतमईन रहो, सेटिस्फाई रहो, तुम लोगों को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। और जो काफिर नजाशी के पास आए थे उसने उनको कह दिया कि मैं मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। और आपको पता है हबशा का बादशाह नजाशी जो था, अल्लाह ताला ने उसके दिल में ईमान डाला, उसके दिल में हदायत डाली, तो उसने ईमान कबूल कर लिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई थी। मगफिरत किसे कहते हैं, यानी बख्शिश की दुआ मांगना, ये दुआ मांगना कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये होती है मगफिरत की दुआ। और अगर हम किसी के लिए ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उसको माफ कर दे, जैसे अगर कोई
रिलेटिव है, किसी की डेथ हो गई और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जी इनको माफ कर देना, तो इसका मतलब है कि हम उनके लिए मगफिरत की दुआ मांग रहे हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह के लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। आगे गम का सवाल, जब नबुवत, नबुवत आपको पता किसे कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि वो अल्लाह ताला के नबी हैं, तो इसका मतलब है कि नबुवत का साल शुरू हुआ था। नबुवत के दसवें साल क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चचा अबू गालिब, जो हर मुश्किल घड़ी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे और कुफारे मक्का के जुल्म और सितम से हर मुमकिन हद तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते थे, उनका इंतकाल हो गया, वो फोत हो गए, उनकी डेथ हो गई। हजरत अबू तालिब कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी डेथ हो गई थी। और वो क्या करते थे, जब कुफार के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे, आपके ऊपर इतनी बातें बनाते थे, हजरत अबू तालिब उनको रोकते थे, उनकी हर तरह से मदद करते थे। अभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दम से नहीं निकले थे कि क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का क्या नाम था, क्या नाम था बच्चों? हजरत खदीजा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। अब एक साल में क्या हुआ, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा फोत हुए और फिर उनकी बीवी हजरत खदीजा फोत हुई। अगर हमारे रिलेटिव्स में से कोई फोत होता है तो हमें कितना ज्यादा अफसोस होता है, हमें कितना दुख होता है, होता है ना हमें दुख, हमें बहुत ज्यादा रोना आता है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग थे, उनमें से दो लोग जो आपके बहुत करीब थे, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सदमा पहुंचा, इतना ज्यादा सदमा पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दुखी हुए कि आपने कहा कि ये साल गम का साल है। अब जब अबू तालिब की वफात हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की वफात हो गई, तो मक्का मुकर्मा के जो मुशरिकीन थे, जो मक्का के काफिर लोग थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को और ज्यादा सताना शुरू कर दिया और उनको बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दी। अब मुसलमान रहते तो हबशा में थे, लेकिन कुछ मुसलमान जो थे वो अभी मक्का में ही रहते थे, सब मुसलमान सब मुसलमानों ने हिजरत ही की थी, कुछ मुसलमान अभी मक्का में ही रहते थे और कुछ मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके हबशा आ गए थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की डेथ हो गई, तो काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं है। और वो अल्लाह ताला को तो मानते ही नहीं थे, वो तो अल्लाह ताला की इबादत ही नहीं करते थे, वो तो काफिर थे। इस वजह से वो लोग अल्लाह ताला से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, उन्हें अल्लाह ताला का कोई खौफ नहीं था। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने देखा कि सीरत किसे कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात को और वाकयात को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जो वाकयात पेश आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो जो काम किए, उनका मुतालिया करना, उनको पढ़ना, उनको देखना, उनको सीखना, उसको सीरत कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हिजरत किसको कहते हैं, हिजरत कहते हैं दीन की वजह से अपना वतन छोड़ के दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। और इस्लाम में हिजरत का बहुत बड़ा मुकाम है, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा सवाब देते हैं, हिजरत करने से हमारे गुनाह धुल जाते हैं, अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं और अल्लाह ताला ये खुशखबरी सुनाते हैं कि जो लोग हिजरत करते हैं मैं उनसे राजी हो गया हूँ। जब कुफारे मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दे दी थी। पहली हिजरत में 11 मर्द थे और 4 औरतें थीं। और जब हबशा पहुँच कर कुफारे मक्का को ये खबर मिली,
हबशा पहुंच गए मुसलमानों को एक खबर मिली कि कुफार मक्का ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी वजह से कुछ लोग वापस आ गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि हमारे साथ तो झूठ बोला गया, कुफार तो मुसलमानों के साथ वैसे के वैसे ही हैं, और उन्होंने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया। तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और फिर मुसलमानों ने दूसरी हिजरत की थी। पहली हिजरत को हिजरत उला कहते हैं। दूसरी मरतबा जब मुसलमानों ने हिजरत की तो उसमें 82 मर्द थे और 18 औरतें थीं। मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। वहाँ पे हबशा का एक बादशाह था जिसका नाम था नजाशी, और वो मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से उसने मुसलमानों को रखा। मुसलमान वहाँ पे सुकून से रहने लगे। जब काफिरों को ये खबर हुई तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बादशाह के पास आए, और बादशाह के पास आके मुसलमानों की शिकायत करना शुरू कर दी कि मुसलमान अच्छे लोग नहीं हैं, ये लोग दीन पे अमल करने वाले लोग नहीं हैं, ये बुरे लोग हैं। और नजाशी ने क्या कहा, उन्होंने मुसलमानों को बुलाया और मुसलमानों को बताया कि कुफार उनके बारे में क्या कह रहे हैं। फिर हजरत जाफर ने तकरीर की और कहा कि हम पहले जाहिल थे, हम पहले बुतों की पूजा भी करते थे, हम पहले मुर्दार भी खाते थे और आपस में भी लड़ते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पे रहम किया और अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में अपना रसूल भेजा जिसने बुरे कामों से रोका और हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और हमने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब हमने इस्लाम कबूल किया तो मक्का के काफिर जो है ये हमारे दुश्मन हो गए। जो बादशाह था वो हजरत जाफर की ये तकरीर सुन के बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, तुम्हें यहाँ पे कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, और मुसलमानों को कुफार के हवाले ना किया। लेकिन क्या हुआ कि नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हजरत अबू तालिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से एक ही साल में उन दोनों की वफात हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को गम का साल कहा। और जब अबू तालिब की वफात हो गई तो मक्का मुकरमा के जो मुशरिक लोग थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों को बहुत ज्यादा सताने शुरू कर दिया, उन्हें और तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दी। अब क्वेश्चंस मार्क कर लें, एक्सरसाइज की तरफ आए, पेज नंबर 85 पे क्वेश्चंस लिखे हुए। सबसे पहला सवाल है, हिजरत किसे कहते हैं? पेज नंबर 83 पे आए, पेज नंबर 83 फर्स्ट स्टार पे। पेज नंबर 83 फर्स्ट स्टार में लिखा है ना, दीन की खातिर अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। फर्स्ट लाइन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दीन की खातिर से निशान लगाएं। दीन की खातिर से निशान लगाएं, दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड क्वेश्चन है, हिजरत करने से क्या सवाब मिलता है? इसी के नीचे लिखा हुआ है, इस्लाम में हिजरत का बड़ा मुकाम है। यहाँ पे लिखें 2, सिर्फ 2 लिखना है आपने। यहाँ पे ब्रैकेट बना के यहाँ पे लिखें 2। हिजरत करने वालों के लिए अल्लाह ताला की रजा की खुशखबरी है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा हिजरत करने की कब इजाजत दी? इसी के नीचे से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। जब कुफारे मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी,
यहाँ से लेके मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत की इजाजत दे दी। मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत की इजाजत दे दी। फोर्थ क्वेश्चन है, पहली हिजरत के बाद मुसलमान मक्का मुकरमा क्यों वापस लौट गए? क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे से ही नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, सहाबा कराम ने हबशा की तरफ पहली हिजरत, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। सहाबा कराम ने हबशा की तरफ पहली हिजरत, यहाँ से लेके ये लाइन है ना, हिजरते उला कहलाती है। इसके ऊपर देखें, लास्ट लाइन से ऊपर, अब भी मुसलमानों को तकलीफ देने में मसरूफ है। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लास्ट भी हमने मार्क कर लिए सारे क्वेश्चंस, मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ इन्हें देखने। पहला सवाल था, हिजरत किसे कहते हैं? फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, दीन की खातिर अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हिजरत करने से क्या सवाब मिलता है? क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहे हैं। इस्लाम में हिजरत का बड़ा मकाम है, हिजरत करना तमाम गुनाहों को धो डालता है, हिजरत करने वालों के लिए अल्लाह ताला की रजा की खुशखबरी है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा हिजरत करने की कब इजाजत दी? थर्ड स्टार से स्टार्ट हो रहा है, जब कुफारे मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाजत दे दी। पहली हिजरत के बाद मुसलमान मक्का मुकरमा क्यों वापस लौट गए? सहाबा कराम ने हबशा की तरफ पहली हिजरत, यहाँ से लेके अब भी मुसलमानों को तकलीफ देने में मसरूफ हैं। यहाँ तक है। और फर्स्ट लाइन के बाद देखें, सहाबा कराम ने हबशा की तरफ पहली हिजरत 5 नबवी में की। ये लिखा है ना, इसके आगे जो लाइन है वो काट दें। इस हिजरत में 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। ये वाली लाइन कट कर दें। इस हिजरत में 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थी, ये वाली लाइन कट कर दें। क्लास आपको समझ आ रही है?